इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 1.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। टू पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन एक्सीलरेशन जी। तो एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसका वैल्यू जी है, और एट द इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट वन पॉइंट एंड मूव्ड विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेता हूँ, ये मैं एक्स और ये वाई, और एक्स की डायरेक्शन में आई कैप होता है, वाई की डायरेक्शन में जे कैप होता है। तो इनिशियली जो सिचुएशन है उसमें क्या है कि दोनों जो पॉइंट्स हैं वो उनकी वेलोसिटीज v1 और v2 है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं बी वन को आई की तरफ मान लूँ तो मेरे को v2 माइनस आई की तरफ मानना पड़ेगा। तो ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, और फिर बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर्स बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेलोसिटी होंगी तो मान लेते हैं कि जो v1 है वो v1 डैश हो जाएगी और जो v2 है वो v2 डैश हो जाएगी। जबकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो वो डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो v1 डैश वेक्टर डॉट v2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब जो v1 डैश और v2 डैश निकाल लेते हैं, तो v1 डैश निकालने के लिए पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस के a वेक्टर इंटू t। a यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के जी जे कैप। तो यहाँ पे v1 अब हम निकाल लेते हैं, तो मान लो t टाइम बाद जो हमारी वेलोसिटी होगी वो v1 डैश क्या होगी, v1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू u इनिशियली क्या है v1 आई कैप, अब जो a है वो माइनस माइनस जी टी जे कैप, ये हमारा v1 डैश हो गया। ऐसे ही v2 डैश निकाल लेंगे, तो v2 डैश इज इक्वल टू माइनस v2 आई कैप माइनस जी टी जे कैप। अब जो कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो v1 डैश डॉट v2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस v1 v2 प्लस जी टी का होल स्क्वायर। अब जबकि ये दोनों जीरो हैं तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू v1 v2। तो यहाँ से हमारा जो टाइम आएगा वो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 v2 अपॉन जी। अब लेकिन हमें टाइम नहीं निकालना, हमें निकालना है कि इन दोनों पार्टिकल की, यानी कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनकी, इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है जब वो उनके वेलोसिटी वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से हमें हमारा टाइम निकल गया। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, तो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस के हाफ ऑफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। तो ए वेक्टर वही है माइनस जी जे कैप। तो यहाँ से हम x1 जब निकालेंगे तो जो x1 वेक्टर जो आएगा वो आएगा x1 वेक्टर इज इक्वल टू v1 टी आई कैप माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब ऐसे ही x2 निकाल लेते हैं, x2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 टी आई कैप माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अगर किसी दो दो वेक्टर्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है तो जो x2 माइनस x1 हम निकालेंगे, x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 टी आई कैप माइनस के v1 टी आई कैप, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो एक्स टू माइनस एक्स वन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वन प्लस बी टू टी आई गैप। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स टू वैक्टर माइनस के एक्स वन वैक्टर मॉड ऑफ इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू मल्टीप्लाई में टी। तो टी की वैल्यू हमें पता है, जब हम टी की वैल्यू रख देंगे तो जो हमारे उनके बीच का सेपरेशन होगा एक्स टू वैक्टर माइनस के एक्स वन वैक्टर इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू, और टी की वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ बी वन बी टू बाई जी। जब हम बी वन बी टू और जी की वैल्यू रख देंगे तो मॉड ऑफ एक्स टू वैक्टर माइनस के एक्स वन वैक्टर इज इक्वल टू आएगा 2.47 मीटर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर है।